आप अमीर नहीं हो, कहां पर है आप? गरीब हो किसके कारण? आज आपके पास पैसा नहीं है किसके कारण? आज आप देख रहे हो कि देश का चारों तरफ कोई रिफाइंड तेल का समस्या है, सफ़ेद नमक का समस्या है, सफ़ेद मैदा का समस्या है, वैक्सीनेशन का समस्या है, कोई बोला अनाथ आश्रम का समस्या है, कोई बोला माँ का स्तन पे दूध नहीं है समस्या है, कोई बोला जर्सी होल्स्टीन फ्रिजियन समस्या है। ठीक है, सारा समस्या है, लेकिन उन समस्या के पीछे तुम्हारा गरीबी एक समस्या है, अनएम्प्लॉयमेंट एक समस्या है, बेकारी बेरोजगारी एक समस्या है, और आप बड़े बड़े भाषण मारते हो स्वदेशी स्वावलंबन, स्वदेशी उत्पाद, मिट्टी का घड़ा, चाटो बैठ बैठ के। कहां समस्या? बुद्धि का कमी है। एक समस्या क्या बोला? कर्म करना नहीं चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? मैकोले डस लिया है, मैकोले का सांप डस लिया है। मैकोले बोलता है पढ़ो लिखो, काम मत करो, एजुकेटेड इडियट बनो, जिते पढ़ा सकते बेड़ा बनो, जिते पढ़वा सकते कुड़िया बनो। किस विषय में रिसर्च कर रहे हो बोला? इस विषय में क्या होगा उसे करने से? पता नहीं, रिसर्च कर रहे हैं, फिर करो और 100 साल करो। क्या हो गया भाई? बुद्धि विहीना पशु भी समान, लाइक एनिमल, गोदोरा कुड़े जेते माड़े से देते, तो करते रहो जिंदगी भर। यहां आके हम फेल खा रहे हैं। पहला तो कर्म में भी खेल खा रहे हैं। क्यों फेल खा रहे हैं? ड्यू टू मैकेले ओनली, मैकेले का आउटपुट। सी फॉर क्लासरूम में क्लास 1 से लेके 10 तक 10 साल बैठा दिया, फिर प्लस 2 में 2 साल बैठा दिया, फिर प्लस 3 3 साल बैठा दिया, कितना साल चला गया? 15 साल तो वहां चला गया। बाकी रह दे के सर नौकरी के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। देखो यहाँ 3-4 बैठे ना, गदानंद सरस्वती, हाँ 20 साल से लगे हैं, ऐसे ऐसे पागल देखा हूँ 27 साल से लगे हैं। किसके लिए बोला? IAS क्लियर करेंगे, OAS क्लियर करेंगे, IPSC करेंगे, UPSC करेंगे, CPSC करेंगे, तेरा बाप करेंगे, चला रखा है। करके क्या भी होगा तो फॉल्ट कहाँ है? बुद्धि भी ना पशु भी समान, बुद्धि योगा धनंजय बुद्धो शरणि च कृपणा फल है, तभी बुद्धि का कमी है। यस, आप लोग, आप देखो, आप जो उसको वो दोष दे रहा है, उसको वो दोष दे रहा है, आदमी नहीं आया, वो फॉलो वो नहीं आए, मैं बुलाया नहीं आया, उन्हें पता है यार तुम लोग गधे हो बोल के। ईमानदारी से देख लो ना एक बार, तुम अगर स्ट्रांग होता, तुम अगर बुद्धिमान होता, तुम अगर अमीर होता, तुम अगर मॉडल होता देश का, तुम अगर उन युवाओं के लिए पता है कि हाँ भाई ये सही है गलत नहीं है, बुलाना नहीं पड़ेगा, आ जाओगे? क्यों आए मेरे पास भाई? ईमानदारी से बोलो ना। तुम्हें अगर तनिक भी डाउट होता कि आदमी गलत है तो आते क्या? या 9 दिन सुनते क्या? 7 दिन यहाँ बैठ के सुनते क्या? नीचे सोना, घर का खटिया है छोड़ के, बिना फैन, मच्छर काट काट के जंगल जाके, फिर अपने पैसा से, हम तो 1 रुपया दिया नहीं, क्यों आए? खुद नहीं बने हो ना, तो बनाओ ना अपने आप को। कोरोना माने सरस, अगर तुम्हारा बुद्धि नहीं है और तुम्हारे पास देख रहे हो कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो ज्ञान देगा, तो कोरोना माने सरस्वती का साधना, देखते हैं कैसे बुद्धि नहीं है। अगर जब कालिदास को मां दे दी तो तुम उससे कमजोर हो क्या? कालिदास जो मां का नाम नहीं जानता है, कालिदास सोचो जो महामूर्ख हुआ होगा, पेड़ को उल्टा काटने वाला हुआ होगा, वो कभी मां को मंत्र करके पूजा करता होगा? उसके मुंह में घुसता होगा मंत्र? वो क्या करता होगा? उल्टा सीधा ही तो करता होगा मां के पास जाके, फूल देने के बाद जगह में पत्थर भी लाके देता होगा, गारंटी है। नरियल भोग देने के खुद खा ले, बोला ले मां तू खा। हाँ, अब आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे स्टोरी ऑफ कालिदास, पढ़ोगे ना, बहुत अच्छा अच्छा स्टोरीज है, वो है नहीं किताब, मैं जो भक्त हैं उनको देख, बामा खेपा भी तो वही कर रहा है, क्या था 3-4 क्लास फेल था, भाग गया, नदी पार हो गया, तुम खुद खा, विक्टोरिया रानी ला के दे रहा है मांस, तो ये खुद खा रहे हैं दारू सारा, फिर दूसरा दिन पुलिस आर्मी लेके मार देंगे, बता सच? बोले नहीं, हम कहाँ खाए हैं, माँ खाइए, माँ खाइए, तू खा रहा था, माँ खा रही, आधा फेंक दिया, खाया नहीं। तो बोले ओए माँ की बोल जे, बस माँ का मुंह से निकाला सारा मांस और दारू, ये देख के सब दौड़ के भाग भाग निकाल देते, 5 HP मटर जैसे भागे सब दौड़ दौड़, बोला तेरी ये क्या कर रहा है,
क्या पूजा क्या होगा वो लोग, रामकृष्ण परमहंस छः क्लास का भी, तीन क्लास भी नहीं, वो स्कूल देखा नहीं होगा, उसके पास क्या मंत्र होगा। तो करो ना उसका साधना, ये तो कह रहा हूं, दो ही तो समस्या है, एक कर्म नहीं करना चाहते हो, दूसरा बुद्धि नहीं है। और बुद्धि भी ना पशु भी समाना, तो पशु जैसे ही तो घूम रहे हो पागल जैसे, कोई बोल दिया उधर चलना, किसका दिमाग में घुसा चलना है तो चला, फिर कोई बोला उधर मत जाओ इधर जाना ठीक है, फिर उधर चला, फिर उधर कोई बोल दिया ऐसा मत करो ऐसा करते हैं, फिर चला उधर। वैक्सीन का कितना डाटा कवर करके ले लिया, जो वैक्सीन विरोध में चला के खड़ा हो गए, और वैक्सीन ले लिया ना, ले लिया, जहर है ना, है गाय से बना है ना, हाँ बना है, तो क्या कहना चाहते हैं? तुम अकेले तलवार लेके जाओगे पाकिस्तान के साथ लड़ने के लिए? अरे यार ये शरीर है, गाय का मांस घुसा दिया, अरे इतना गाय का मांस खाते हो कि हिसाब नहीं है तुम लोगों को, आके बोलते हो एक तो इंजेक्शन ले लिया और उसमें सारा एनर्जी फूंक दिया, करने दो जिनको करना है। तुम एक बार सोचो तो, मैं जो सेवा कर रहा हूं क्या 100% देश का कर रहा हूं, या इसके पीछे ये जो जिंदाबाद जिंदाबाद करके वो अगेंस्ट में खड़ा होने के लिए भी यहां भी एक तो षड्यंत्र घुस गया होगा, अपना बुद्धि नहीं है क्या? देखो तो एक बार, मैं नहीं कह रहा हूं आप ठीक किया या गलत, मैं वो नहीं कह रहा हूं, मैं यह कह रहा हूं कि तुम्हारा बुद्धि कहां गया था, तुम्हें भी तो भगवान बुद्धि दिया है, एक बार ठीक सोचो, अपना ब्रेन को लगाओ। मेरे बात ना, मैं बीजेपी का हूं ना कांग्रेस का हूं, मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी का नहीं हूं, मैं ना तुम्हारा वैक्सीन का फॉर्म में कह रहा हूं, ना तुम्हारा चीनी और मैदा का फॉर्म में कह रहा हूं, मैं भी बहुत कहा ये सब, तुम्हारे एज का जब था मैं भी ऐसे ही भाषण, मेरे भी बहुत वीडियो देख लेना, मेरे तो और खतरनाक होता था, मेरा और भयंकर होता था, मैं ऐसा ऐसा डाटा निकाल के बोलता था जिसको आदमी हजम नहीं कर पाता। चाय का तो राजीव भाई काफीन टैनिन निकोटिन तक गए, मैं तो और कहां कहां पहुंच गया, गाय का खून क्यों मिलाया चाय में वहां तक बोल रहा था, मतलब क्या है उससे? वो देखो ना तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा बुद्धि कहां गया? मेरे को बोले वो वैक्सीन प्लांट में तो अलाउ था कि नहीं, इंजेक्शन वैक्सीन लोगे तो अलाउ नहीं होगा, गेट के अंदर गेट के बाहर एब्सेंट, नौकरी जाएगा, मरो भूखे, नहीं लोगे तो, हाँ नहीं लोगे तो गेट के अंदर अलाउड नहीं हो, सर्टिफिकेट दिखाओ, इधर ही हो रहे लोग बहुत सारे, अमेरिका वाले मेरे बहुत सारे दोस्त इंडिया में पड़े हुए नहीं जा पा रहे, कलेक्ट हो आएगा अमेरिका से, अमेरिका का मतलब उसको गया था टिकट विकट कितना 50-60 हज़ार का करके वहाँ से फिर। मैं बोला यार पेटो पोसो नहीं दोस्त, नहीं देशभक्ति करना है तो पूरा कर, आधा आधा मत कर, अगर ये जहर है और तेरे जहर में जाने से तू मर जाएगा, तेरा साइड इफेक्ट हो जाएगा, तेरा बाल झड़ जाएगा, तेरा आंख नहीं दिखाई देगा, तेरा पाछू पड़ जाएगा, ठीक है, ये शरीर का मूल्य क्या है? इतना जहर अगर रजिस्ट नहीं कर सकता, एक कोरोना को हम रजिस्ट नहीं कर सकते और मर जाएंगे तो मर जाना बेहतर है, ये शरीर अगर कोरोना को रजिस्ट नहीं कर रहा है तो भी मर जाना बेहतर है। इस धरती पे एक प्रिंसिपल चलता है, वो प्रिंसिपल क्या है? फिट फॉर द सर्वाइवल, जो फिट है वही सर्वाइव करेगा, जो अनफिट है वो मर जाएगा, लॉ ऑफ नेचर है, मेरा नहीं, बचपन था ना छोटा छोटा पक्षी गज पेड़ के नीचे गिर जाते थे, उनको उठा के फिर वो घोंसला में रखता था, बचपन पे मेरे, मैं प्रचंड पेड़ चढ़ाऊ था 50 फुट का, देख रहे हो ना वो पेड़ में भी चढ़ के ऊपर में जाके बैठता था, ये रिजल्ट है देखो कर्मफल, 12 स्टिच 2 स्टील का फिर सुबह आके देखता था कि वो चिड़िया बच्चा को फेंक दिया, फिर दूसरा दिन उठा के रखते थे तो मर गया। तो जब धीरे धीरे पढ़ने लगा समझ में आया कि चिड़िया अपने बच्चों को मार क्यों देती है, क्योंकि इज अनफिट फॉर दिस नेचर, ये कल आगे बढ़ के नहीं जा सकती है, आगे उड़ नहीं सकती है। इस कहानी इस विषय को प्रतिपादित करने के लिए एक छोटा सा विषय, तुम जैसे कोई छोटा सा बच्चा था, गार्डन पे खेल रहा था, घूम रहा था, देखा कि एक कोस, कोसा, कोसा यू नो जहाँ पर तितली अंदर से निकलती है, कोकून, हाँ, उसको देखा तो उसको मजा आया, ला के उसने टेबल स्टडी टेबल में रख दिया, 5-7 दिन 10 दिन गया तब तक वो हिल रहा था, उसको बहुत मजा आया, सब काम छोड़ के उसी को देखने लगा। एक दिन दो दिन देखा कि छोटा सा छेदा हो गया, वहाँ से वो तितली का बच्चा मुँह निकाल रहा है, फिर देखा एक दिन दूसरा दिन तीसरा दिन
उसका पेशेंस नहीं हुआ और अरे निकल नहीं पा रहा है, दोनों तरफ से काट दिया, तितली का बच्चा बाहर आ गया लेकिन उड़ नहीं पाया। उसका बाप के पास लेके दिखाया, बोला पापा ये तितली को मैं हेल्प किया, सहायता किया और ये उड़ नहीं पा रहा है। बोला गलत सहायता कर दिया तुमने, अगर वो खुद मेहनत करके निकला होता तो उड़ता उड़ता। इसलिए जब दूसरे को सहायता करते हो ना तो सोच समझ के करो कि गलत सहायता तो नहीं कर रहे हो। किसी को दान दक्षिणा देके बहुत सारा पैसा दे देना, अगर वो अपने स्ट्रगल से बढ़ते बढ़ते पहुंचाए, अगर मैं उसे सहायता कर देता तो वहां तक नहीं पहुंचता। मैं उसको ये सहायता की कि बेटा कुआं खोदना सीख, ताकि तेरा घर में जाके खोद देगा। उसका घर के अंदर खोदा है, देखे हो ना, उसका काबिल बनाओ उसे, ना कि उसे इजीली दे दो, ना कि सिस्टम के साथ जिंदा है। मैं एकदम जानता हूं ये वैक्सीनेशन इज रॉन्ग, यस मैं जानता हूं वो रिफाइन इज रॉन्ग, राइट, लेकिन तुम 3 दिन गाड़ी में आ रहे हो, खाना नहीं है, गुलगुला छोड़ के कभी जाओगे ऐसा प्रोग्राम में ना, रात दिन भर भूखे हो, कुछ नहीं मिलेगा। इधर तो मिल जा रहे हो, झारखंड एरिया में जाओगे पूरा 100 किलोमीटर जंगल ही जंगल, क्यों? एक दुकान यहां देख लिया तो किस्मत है, उस रास्ता में भी घुसोगे झारखंड में निकलोगे, 150 किलोमीटर है, ठीक है, एक दुकान देख लिया तो समझना कि आज मेरा भाग्य ठीक है। और उस दुकान में भी जाओगे तो वहां पर बिस्कुट नहीं मिलेगा, 3 दिन बासी पुराना गुलगुला रहेगा, ऐसे मारोगे तो उठेगा ऊपर और ऐसे फाड़ोगे तो अंदर से निकलेगा लार, और किसी को फाड़ोगे अंदर से निकलेगा कीड़ा। एक बार बाजार में बनता है, पूरा खटिया भर के बनाते हैं, लाके बेचते हैं, वो खाते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो लोग तो खुद कीड़े मकोड़े खाते हैं, चिटी खाते हैं, पेड़ का जो सफेद सफेद देखोगे गंदा लगेगा, लेकिन वो खाते हैं पखाला भात के साथ। हाँ, मूसा मर गया, मूसा सांप टेटंगा बेलू सब चूल्हे के ऊपर ऐसे सुखा के वो ला के भात के साथ नमक मिर्चा देके उनका भात चलता है, बड़े स्ट्रांग है मजबूत, उनके लिए चलेगा, तुम्हारे लिए तो नहीं चलेगा। मैं यहां क्या कह रहा हूं समझ में आ रहा है ना, यहां मेरा सब्जेक्ट क्या है, तुम्हारा बुद्धि कहां मर गया था, और नहीं है तो बुद्धि के लिए क्या कर रहे हो, बुद्धि बढ़ाने के लिए क्या खा रहे हो, क्या ब्राह्मी खा रहे हो, क्या थालकुड़ी खा रहे हो, क्या बुद्धिवर्धक चूर्ण खा रहे हो, क्या बुद्धिवर्धक चूर्ण बनाने जानते हो, क्या नील सरस्वती का साधना करते हो, तुम्हारा लक्ष्य क्या है नहीं जान सकते, तुम्हारा बुद्धि तुम्हें अलाउ नहीं कर रहा है, फिर तुमसे कैसे आशा किया जाए तुम आगे क्या करोगे। मुंह खोलते ही लक्ष्य भाई, एक सीधा गिनती, एक मेरा गुरुकुल होना चाहिए, दो स्वास्थ्य गुरुकुल होना चाहिए, गांव में स्वास्थ्य गुरुकुल मेरा खुल जाना चाहिए कि गांव का रोगी को गांव में ट्रीटमेंट करें, गांव का बीमारी 70% ठीक कर दें, बाकी 30% पैसा वाले जाएं, भिलोरा जाएं, आपेलो जाएं, कलिंगा मलिंगा जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 70% मैं गांव में ठीक कर दूंगा। उस स्वास्थ्य गुरुकुल के नाम पे मैं 1000 टन औषधि का कलेक्शन कर सकता हूँ, और वहाँ पर जो आयुष दे रहा है 2 करोड़ रुपया मेडिसिन स्टोर बनाने के लिए, वो 2 करोड़ रुपया एक मेडिकल स्टोर मेडिसिन स्टोर अगर तुम्हारे एक ब्लॉक में बन जाए, हर एक ब्लॉक के लिए 200 करोड़ एग्जैक्ट नहीं जानता, देख लेना मैनुअल, लाया जा सकता है, लाओ। तुम बोलेगा एनजीओ नहीं करेंगे, वो गवर्नमेंट का पैसा नहीं खाएंगे, भूखे मर, कटोरा लेके जा भीख मांग, बहुत सारे फंडिंग है, पड़ा है, लाने वाला कोई नहीं है। ये मेडिसिनल के लिए गवर्नमेंट का हर एक डिस्ट्रिक्ट वाइज दे रहा है पैसा, ब्लॉक वाइज दे रहा है पैसा, आयुर्वेद के लिए स्पेशल, तुम जानते हो कि नहीं। मैं कहना ठीक नहीं होगा, हम लोग लड़ लड़ के आयुष विभाग एलोपैथी सिस्टम से अलग करके नया खड़ा किया INO के माध्यम से, इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन, 20 साल मुझे दिल्ली दौड़ना पड़ा, लग रहा है ऐसा, लेकिन लाइफ में ये करके हम लोग खड़ा किए हैं। मैं क्या हूँ ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उस समय मुझे मुझे उड़ीसा का हनुमान कहा जाता था, एज कम था, बड़े बड़े लोगों के साथ मिल के काम किया, आज हो गया है, और वहाँ उड़ीसा का ही डायरेक्टर बैठा है अभी भी सुना हूँ, मेडिकल का, आयुर्वेद का, नेचुरोपैथी का, पंचकव्य का, कोई नहीं है लाने वाला पैसा। हर एक गांव पे
नेचुरोपैथी का, आयुर्वेद का, पंचगव्य का प्रचार के लिए उस समय हमें मिल रहा था 60,000 रुपया, तुम्हें क्या मिल रहा है? ला रहे हो? नहीं ला रहे हो, गलती किसका? किसान प्रोग्राम करेंगे, मैं यहां था दिल्ली से 14 लाख रुपया मेरे को भेजता है, तुम नहीं दौड़ोगे, नहीं लाओगे, बैठे बैठे 4-5 महीना कितना दिया था रे? कितना प्रोग्राम था? 14 प्रोग्राम के लिए 1 लाख रुपया, क्या करना था उसमें? 30-40-50 किसानों को बैठ के खिलाओ पिलाओ, घर भाड़ा दो, जाने आने का खाना पीना दो, ट्रेनिंग दो, पढ़ाया, पैसा लाने वाला कोई नहीं, पैसे का कमी दिखा रहे हो तुम। पैसा चारों तरफ है, काम करना नहीं चाहते हो, बुद्धि लगाना नहीं चाहते हो, बुद्धि बढ़ाना नहीं चाहते हो, फोकस करो अपने को।